हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और गाइस, अब हम कोल्हापुर से निकल चुके हैं गोवा के लिए। कर देंगे। अभी सुबह के 8 बजे हैं, हमें निकले हुए करीब 1 घंटा हो गया है। बट सुबह सुबह थोड़ा मूड मेरा आलस में था। वैसे तो मैं नहाकर आई हूँ, सुबह सुबह मेरे हस्बैंड नहाकर आए हैं, लेकिन बच्चे दोनों बिना नहाए आए हैं और वो पीछे गाड़ी में सो रहे हैं। बट लेकिन मेरे जैसे कि मेरे पता है मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरा इतना मूड हो नहीं रहा है करने का। बट मैं फिर भी इंजॉय कर रही हूँ, तो थोड़ा मैंने सोचा कि शूट कर ही लेते हैं। आप देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा वेदर है। हम लोगों ने गाड़ी के शीशे खोल रखे हैं इस टाइम पर, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। आई होप पूरे रास्ते ऐसा ही मौसम मिले हमें, बट शायद ऐसा नहीं होने वाला है। गाइस, हम लोग ये जो हमारा रूट है, ये हम जब जाएंगे अम्बोली घाट होते हुए जाएंगे, तो अम्बोली घाट के रास्ते में एक वाटरफॉल पड़ता है गाइस, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है वो। और जब रेनी सीजन होता है उस टाइम पर उसमें तो पानी गिरता है बहुत ऊपर से, हाइट से गिरता है और स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर्स से पानी नीचे तक आता है। तो अभी इस टाइम पर वहाँ पर पानी नहीं होने वाला है। ये देखिए अम्बोली घाट आ चुका है और यहाँ पर देखिए ये सूखा है। आप देखिए स्टेयर्स आपको दिख रही होंगी, शायद ऊपर से पानी आता है यहाँ पर। अब इस टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बारिश के सीज़न में बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। बच्चे देखिए गाड़ी में उठ चुके हैं, उनकी नींद पूरी हो चुकी है और गाड़ी में काफ़ी बोर हो जाते हैं बच्चे। मतलब मेरी बेटी तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी गाड़ी से जाने के लिए, अपनी कार से, लेकिन हम आ गए कार से ही। और यहाँ पर हम देखिए गाइस रेस्ट के लिए रुके हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर ले, स्नैक्स वगैरह, तो यहाँ पर रुके हैं। देखिए यहाँ पर काजू के पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ गाइस, काजू ही काजू है। गोवा की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर काजू की पैदावार होती है बहुत ज़्यादा, तो काजू लोग यहाँ से ले लेके जाते हैं गाइस। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए काजू के पेड़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे काजू लगे हुए हैं इस टाइम पर, हरे हरे आप देख रहे होंगे। और काजू का जो पेड़ है नॉर्मल बहुत बड़ा पेड़ होता है, ये तो फिर भी बहुत छोटा है, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं काजू के। और यहाँ पर देखिए कई सारे पेड़ हैं, ये यहाँ पर हम रुके हुए हैं गाइज। ये बहुत ही देसी ढाबा है महाराष्ट्र में गाइज। एक चीज मैंने देखी है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, जो हाईवे पे ढाबे जो पड़ते हैं, रेस्टोरेंट्स जो पड़ते हैं, बहुत सादा सिंपल होते हैं, मतलब एकदम गांव टाइप के होते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली साइड के हैं, उधर की तरफ हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर काफ़ी स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट होते हैं रोड साइड पर, काफ़ी अच्छे होते हैं ढाबे वगैरह। और यहाँ पर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको टॉयलेट तो मोस्टली इंडियन ही मिलने वाला है, वेस्टर्न टॉयलेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। गाइज़ ये देखिए काजू है, मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोजअप व्यू में, ये देखिए। मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं तोड़ के लेके जाऊँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं तोड़ूंगी तो इसका जो जूस वगैरह है निकलेगा, मेरे हाथ में लगेगा और कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये ढाबे के पीछे एक लगे हुए हैं दो तीन, और वो जो मैंने पहले आपको व्यू दिखाया था वो ढाबे के आगे लगे हुए थे। और ये लोग इनके किसी काम के नहीं है, ये इसको कुछ नहीं करते होंगे, बस ऐसे ही आते होंगे शायद, मेरे को लगता है। यहाँ पर काजू ये किसी ने उगाए नहीं होंगे, ये देखिए पूरा गुच्छे पे गुच्छा लगा हुआ है। जो काजू का प्रोसेस है ना गाइस, वो ऐसा होता है कि ये जो काजू के जो होता है, पहले इसको आग में पकाया जाता है, आग में पकाने के बाद इसका जो ऑयल होता है इसके अंदर उसको जलाया जाता है, जो तो वो बहुत पॉइजनस होता है जिसका जो ऑयल होता है ना, तो उसको आग में जलाया जाता है पहले, फिर उसके बाद इसको सीड को तोड़ के फिर इसमें से काजू निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए केले का भी बाग है, यहाँ पे पूरा बगीचा है केलों का, बहुत ही देसी स्टाइल ढाबा है ये। और यहाँ पे रोड साइड में आपको वैरायटी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो रोड साइड ढाबे होते हैं वहाँ पर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। ज्वार भाकरी, रोटी, सब्जी, मिसल पाव, वड़ा पाव, पाव भाजी, बस यही सब मिलता है। अपने नॉर्थ का खाना बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलता है, पर ठीक है हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिसल खाया है और निकल लिए हम गोवा के लिए। कि गाइस पेट भरना भी ज़रूरी होता है, अगर खाएंगे नहीं तो बॉडी कैसे चलेगी हमारी। तो हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया है, बच्चों को जो पसंद आया उन्होंने खा लिया है, मैंने तो मिसल पाव ही खाया है। अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं गाइस, पहले तो हमने पहले से बुकिंग कर रखी है होटल, और देखते हैं होटल कैसा रहेगा। फोटो में तो गाइस बहुत अच्छा होटल दिख रहा था, अभी देखते हैं यहाँ गलियों में दिख रहा है ये लोकेशन।
देखिए गाइस, स्विमिंग पूल है, हमें फोटो में भी दिख रहा था स्विमिंग पूल, और देखने में तो कोई खास नहीं लग रहा है ये। अभी हम रूम देख जाके देखेंगे, क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो चेक इन टाइम है वो 1 बजे का है, तो क्लीनिंग चल रही है। हमें 12:30 बज रहे हैं अभी, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही रूम क्लियर हो जाएगा फिर हम अंदर जाएंगे, देखते हैं रूम कैसा मिलेगा। मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छा रूम होगा, बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है हमारे साथ धोखा। फोटो में देख के बुकिंग ना करें, बस मुझे तो यही है। रूम बिल्कुल सादा सिंपल लॉज टाइप का है गाइस ये, जिस हिसाब से उसने हमसे चार्जेस लिए हैं 7,000 रुपये, उस हिसाब से जो बिल्कुल लॉज टाइप का है रूम, बस आप ये है कि आप अपना रात गुजार लीजिए यहाँ पर, आप दिन में बिल्कुल 1 सेकंड यहाँ पर रुक नहीं सकते हो। हमें ये 2 रूम सेट मिला है, फैमिली रूम है, 2 रूम सेट है, 1 वॉशरूम है उसके साथ में, और अब यहाँ पर ये बालकनी का व्यू है, तो एक रूम में बालकनी दी हुई है और एक रूम में खाली विंडो दी हुई है। देखिए मिरर भी खाली सिंपल लगा हुआ है, बेड भी सिंपल है, कोई फर्नीचर नहीं है उसमें, साइड टेबल्स हैं, वॉशरूम भी बहुत पुराने स्टाइल का है, तो अब हमें इसमें काम चलाना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम पहले से बुकिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आकर देख के बुकिंग करेंगे, क्योंकि फ़ोटो में कुछ और ही दिखाते हैं और यहाँ पर आओ तो कुछ और ही मिलता है। ये बालकनी है, इसका नीचे से व्यू है, बिल्कुल मुझे तो ऐसे लॉज वाली फीलिंग आ रही है, जिसको लॉज में रुके हुए हैं हम लोग। बट ठीक है, अब हमें रात में ही रुकना है, सुबह जाएंगे, अब हम यहाँ से रेडी होके बीच पे जाने वाले हैं, फिर रात को आएंगे, वहाँ से सो जाएंगे, फिर सुबह फिर देखेंगे घूमने के लिए जाएंगे। गर्मी बहुत है गाइस यहाँ पर, मतलब एक ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, मैं पुणे के कंपैरिजन में बताऊँ कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी है यहाँ पर। पुणे में जितना ड्राई वेदर है तो हमें वैसी ही आदत हो गई है ड्राई वेदर की, और यहाँ पर बहुत ही ह्यूमिडिटी है, बन रही है। अब हम लोग आ गए हैं इस साइड पर, हमने कार पार्क कर दी है यहाँ पर, पार्किंग इतनी फुल हो रखी है गाइस यहाँ पर, हमें ऐसा लगा था कि हम लोग ऑक्सीजन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सीजन चल रहा है, सब लोग निकल पड़े हैं गोवा के लिए, तो शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग सब पानी में बैठने के लिए आए हैं, बट काफ़ी रश है यहाँ पर, इस पर ऐसा लग रहा है। गाइस अगर आपके पास अपना कन्वेंस नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेंट पर टैक्सी और स्कूटर या टू व्हीलर भी मिलते हैं, पर डे के हिसाब से आप ले सकते हो सुबह से शाम तक। यहाँ पर ना हम फ़ोन के लिए कवर ले रहे हैं काम के लिए, ताकि जो हम बीच पर जाइए तो एक फ़ोन तो अपना लेके जाने वाले हैं, तो उससे हम वीडियो शूट करेंगे, तो फिर उसके लिए पानी इसे ख़राब ना हो जाए, इसलिए एक हमने कवर ले लिया है यहाँ पर। धूप बहुत तेज़ है गाइस, फैन गर्म हो रही है, छोटा सा टैटू बनवाने का ट्राई करना चाहती हूँ। गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना रश है, पूरा बीच लोगों से भरा पड़ा है। हम लोग पहले सोच रहे थे कि ऑक्सीजन में जा रहे हैं हम लोग तो शांति मिलेगी, बीच पर अच्छे से आराम से बैठ के शूटिंग वूटिंग करेंगे, अच्छे से ब्लॉग वगैरह बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत गलत टाइम पर आए हैं हम लोग, पूरा बीच भरा पड़ा है लोगों से। गाइस जब घर पे बीच पे जाने का प्रोग्राम बनाया तो बच्चों ने साफ मना कर दिया कि हमें नहीं जाना, और बार बार जाके नहा के क्या करना है, बीच में समुद्र में जाके नहाना ही चाहिए, तो मैंने इस बार बोला कि नहीं, इस बार वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे, जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं सब करेंगे इस बार,
तो तैयार इस बात से तैयार हुए हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सारा प्रोग्राम हमारा चौपट कर दिया। पानी में एक बार जो गए हैं वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, और वो जो बोटिंग वाला है बंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एक घंटे से खड़ा है मेरे सर के ऊपर ही कि मैम प्लीज़ मैम प्लीज़ मैम प्लीज़। और मैं उसको बोला जाए कि एक बार पानी से निकलेंगे तो हम करेंगे, तो तब से वो जा ही नहीं रहा है मेरे पास से, वहीं पर खड़ा होकर वेट कर रहा है कि कब इसके बच्चे निकलेंगे और कब ये जाएंगे शिप पे। गाइज मैंने ये बीच का नाम तो आपको बताया ही नहीं जल्दबाजी में तो भूल गई। ये जो बीच है हम जिस पर आए हैं ये कैलंगुट बीच है, ये हमारे होटल के बिल्कुल नज़दीकी है, और हमने जो होटल बुक किया था वो बीच के नज़दीक ही किया था कि कोई बीच हो जो साफ सुथरा सा बीच हो। और यहाँ देखिए ये बीच के आसपास यहाँ पर होटल्स भी हैं, यहाँ पर नाइट पार्टी होती है, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और रेस्टोरेंट्स में बैठने के लिए जगह बनी हुई है वहाँ पर, और ये लोग बैठने देते हैं यहाँ पर। लेकिन उन लोगों का ये है कि आप वहाँ पर आपको लंच वहीं पर करना होगा और मिनिमम 1000 का ऑर्डर होना चाहिए, तो वो लोग वहाँ पर बैठने देते हैं आपको छतरियों के नीचे, आप बैठ सकते हो रेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं बैठती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं वहाँ पर नहीं बैठी हूँ। और हम इतने को सामान भी लेकर नहीं आए थे कि हमको सामान रखना पड़े, हम सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन अपने साथ में लेके आए हैं, बाकी सारा सामान हमने जो ज़रूरत का था वो गाड़ी में पार्किंग में रखा हुआ है। तो हम पूरा मतलब प्रिकॉशंस के साथ आए हैं कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और गाइस देखिए ये जो लहरों की मार जो पड़ रही है ना, मेरे पैर में जो चोट लगी हुई है उस पर बहुत जोर से पेन हो रहा है, बार बार जो लहरें आके मेरे पैरों से टकरा रही है बहुत पेन हो रहा है। गाइस ये जो लहरें आपको बॉडी को ना बहुत थका देती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बाद में शाम के टाइम पर इतनी गहरी नींद आती है और इतनी थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन बीच में आने के बाद मेरा पता नहीं क्यों सारा डर निकल जाता है। वैसे मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत डर लगता है, मैं उनको बहुत दूर तक जाने नहीं देती हूँ, मैं उनको ऐसे अपने नज़दीक ही रखती हूँ आसपास ही, दूर लहरों में नहीं जाने देती मतलब बच्चे बेटे को, क्योंकि वो इतना शैतान है कि नज़र बचते ही भाग जाता है। तो मैं बहुत मतलब मुझे बहुत डर लगता है उनको लेके बच्चों को लेके, कि मतलब ये लहरें मतलब बहुत खतरनाक हैं, मतलब अपने अंदर किसको संभाले कुछ पता नहीं है, तो बहुत ही मतलब। और देखिए लोगों को आप देखिए बिल्कुल भी डरते नहीं है, इतनी दूर दूर तक इतनी गहरी गहरी लहरों में लोग चले जाते हैं, पता नहीं इनको डर नहीं लगता। गाइस ये वाला जो बीच है ना, यहाँ पर काफ़ी फॉरनर्स लोग भी आए हुए हैं, और ये जो रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाया अभी, यहाँ पर नाइट पार्टीज चलती हैं, वो लोग शाम को तैयार हो के भी आते हैं, पार्टीज करते हैं यहाँ पे। गाइस वाटर बिल्कुल क्लियर, एकदम ब्लू वाटर है, और मुझे ऐसा फील आ रहा है मतलब कि मतलब मुझे बहुत डर लगता है पानी से। गाइस पानी से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो लेकिन मैं फिर भी रिस्क ले लेती हूँ। शाम हो चुकी है, हम लोग होटल आ गए हैं अभी, बिल्कुल शांति है यहाँ पर। आपको पता शांति क्यों है यहाँ पर, क्योंकि गोवा में नाइट पार्टीज़ करते हैं, बीच पर जाते हैं रात को। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अब नेक्स्ट डे हो चुका है और हम अब दोबारा से घूमने के लिए निकले हैं, और हमने देखिए सेम सेम टी शर्ट्स पहनी हुई है। गाइस कल हम लोग जब बीच पर गए थे तो हमने देखा सब लोग आई लव गोवा की टी शर्ट्स पहने हुए थे, तो हमें बड़ी अच्छी लगी, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग भी खरीदेंगे, और हमने खरीदी वहाँ से आते वक्त, तो हमने चारों में पहनी है, तो अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है गाइस, तो वाइट कलर की टी शर्ट है, कॉटन की है, तो हमें बहुत ही कम्फर्टेबल फील हो रहा है इसमें। और गाइस ये जो हम जिस ब्रिज पर हम जा रहे हैं, ये अटल सेतु ब्रिज है यहाँ का गोवा का। रात को यहाँ पर ये जो इसकी स्ट्रिंग्स जो दिख रही है ना, इनमें मल्टी कलर की लाइट्स चलती है, बहुत सुंदर दिखता है ये काफ़ी लंबा ब्रिज है गाइस, बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करता है, और रात को तो जो ये जो दिखता है ना नीचे से जो इसका व्यू आता है वो बहुत ही सुंदर आता है, और ऊपर से तो सुंदर आता ही है। सबसे पहले हम जाने वाले हैं चर्च में, बेजिलिका और बॉर्न जीसस चर्च है, कि बहुत पुराना चर्च है, 1605 में बना हुआ है,
और ये जो चर्च है हमने नेट पे सर्च किया था कि कहाँ जाना चाहिए हमें घूमने के लिए, तो ये एक प्लेस दिखा रहा था गोवा का। इस चर्च में गाइज एक टॉम है जो सेंट फ्रांसिस जेवियर की है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उनकी यहाँ पर टॉम है। और यहाँ पर गाइस बहुत पुराने पुराने स्टोन रखे हुए हैं, उनके नीचे कुछ कुछ लिखा भी है। ये वो है आटा पीसने वाली चक्की है, ये पिलर बेस है। पिलर बेस है, कहाँ लिखा है? स्तंभ आधार, ओके। आटा पीसने वाली चक्की। गाइस मुझे यहाँ पर आने के बाद ऐसा फील हुआ कि हमें किसी भी रिलीजन के बारे में जब तक कोई नॉलेज ना हो हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर अनजाने में कुछ चीजों का अपमान कर देते हैं और हमें नहीं पता होता है, हमें मतलब हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमसे हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर हमें उनकी हिस्ट्री नहीं पता है कि क्या हिस्ट्री है, क्या चीज़ें हैं। बट लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए। तो अभी हम लोग यहाँ अंदर आए हैं, बाकी हमें कुछ ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा है क्योंकि हम कभी भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है इस रिलीजन से, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हैं तो हम भी देखने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूजियम भी है ऊपर और उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं जो पुराने में खुदाई वगैरह में निकलती हैं, बहुत पुरानी पुरानी है, तो वो भी है यहाँ पर। और बहुत सुंदर है प्लेस है, लेकिन गर्मी गाइस इतनी ज़्यादा है कि बहुत मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा कुछ भी चीज़ देखने में। और लेकिन फिर भी जब हम आए हैं तो थोड़ा सा हमें सोच रहे हैं कि देख ही नहीं जब आए हैं तो, क्योंकि बार बार तो नहीं आ सकते हैं, साल में एक दो बार ही चक्कर लगता है, तो हम फिर भी देख रहे हैं जितना भी हो सकता है हमसे। और इस ये चर्च घूमने के बाद गाइस हम जाने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसके बाद जो वो भी हमने प्लेस जो है वो नेट पे सर्च किया हुआ है, वहाँ जाएंगे इसके बाद। गाइस ये देखिए ये ऊपर म्यूजियम में हम आए हैं, यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान की मूर्ति है, ये काफ़ी पुरानी है और इसमें चारों तरफ जो डिज़ाइन बनी है आपको डिज़ाइन जैसी लग रही होगी, ये विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं ये वो ही हैं कि देखिए जो रामलला की मूर्ति जिस तरह से बनाई हुई है वो इसी के पर आधारित होगी, इसी तरह की कोई मूर्ति, इसी पर नहीं इसी तरह की कोई मूर्ति पर आधारित होगी। और उसके बाद गाइस हम यहाँ पर आए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जू है, तो यहाँ पर जंगल है थोड़ा सा, तो एनिमल वगैरह रखे हुए हैं, तो हमने ये भी नेट पे सर्च किया था तो बच्चों को दिखाने के लिए हम लेके आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने शायद बचपन में देखा होगा, बड़े होने के बाद जू में नहीं गए कभी भी, तो हम यहाँ पर बच्चों को जू में लेकर आए हैं। और बहुत ही मतलब नेचुरल जंगल है ये, मतलब नेचुरल जंगल के अंदर एनिमल्स को रखा गया है और काफ़ी अच्छी तरह से उनको रखा गया है, काफ़ी बड़ा स्पेस बनाया गया है एनिमल्स के लिए, ऐसा नहीं है कि उनको छोटे से केज में रखा गया है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखा है यहाँ पर। और उनके ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी है उस वजह से उनके ऊपर स्प्रिंकल किया गया है, कर रहे हैं पूरा टाइम सुबह से शाम तक स्प्रिंकल रहता है ताकि उनको ठंडक मिलती रहे। और हम भी गाइस चल चल के इतना थक चुके हैं कि मतलब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बीच बीच में बेटी की बिल्कुल फुस हो गई है और उसको चलने की कैपेसिटी नहीं रही है, हम उसको वहाँ पर छोड़ के आ गए हैं, मेरे हस्बैंड और बेटी को, और मैं और मेरा बेटा आगे घूमने के लिए निकले हैं क्योंकि आगे और भी ऊपर लंबा है काफ़ी। और ये जो यहाँ पर हमने आके देखे ये ब्लैक बग्स हैं जो कि बहुत ही अब ख़त्म होते जा रहे हैं, यहाँ पर हमें ब्लैक बग्स देखने को मिलेगा। इस मैंने तो पहली बार देखे हैं, मैंने कभी भी टीवी में भी नहीं देखे ब्लैक बग्स कैसे होते हैं, मुझे लगा था कि शायद ब्लैक कलर के होते होंगे लेकिन ये ब्लैक कलर के नहीं है गाइज, ये ब्राउन कलर के ही हैं और गर्मी के कारण इनके सारे बाल उड़ गए हैं, गंजे हो गए हैं ये ब्लैक बग्स। मेरा बेटा जो है गाइस बहुत एनिमल लवर है तो उसको बहुत इंटरेस्टेड था बहुत देखने के लिए, तो मैं उसके साथ साथ ऊपर चली आई और बेटी थक गई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम इसके साथ रुको और मैं बेटे के साथ ऊपर आ गई। और उसके बाद हम गाइस आए यहाँ पर वैक्स म्यूजियम में जो कि बहुत ही वाहियात था और हमारे पूरे पैसे बर्बाद चले गए वहाँ पर, बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं था। और वैक्स म्यूजियम देखने के बाद अब हम शाम को अपने होटल में आए और मैंने फटाफट से, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैंने फुल कपड़े पहने हुए थे और अब हम शाम को जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, बच्चे जाने को तैयार नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है कि जब कपड़े रख के लाई हूँ तो यूज़ कर लेती हूँ मैंने सोचा, तो अब हमने सोचा कि थोड़ा सा अब बच्चे आने को तैयार नहीं है तो खाना ही पैक करा के ले चलो होटल करके खाएंगे, वैसे होटल बैठ के खाने वाला है नहीं है, क्या करें ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ KFC में आ गए हैं क्योंकि बाहर घूमने आए थे जिसकी बेटे को सीखना चाहिए, मैं और मेरी बेटी वेज हैं दोनों, तो हम लोग वेज बर्गर लेने वाले हैं यहाँ पर और बेटे के लिए चिकन विंग्स लेके जाएंगे और हस्बैंड को कुछ भी लेके आना है।
तो गाइस इसी के साथ हमारा गोवा ट्रिप खत्म होता है और हम अर्ली मॉर्निंग वापस पुणे के लिए निकल चुके हैं। और होल सोल जो कुल मिलाकर अच्छा रहा। और हम लोग वैसे आते रहते हैं, हम 2-3 साल पे मतलब हमें पुणे में 8-9 साल हो गए हैं और हम तीसरी बार आए हुए हैं, तो हम लोग आते रहते हैं क्योंकि हम लोगों को बीच पर आना बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है बीच प्लेसेस। तो अब देखिए नेक्स्ट राउंड कब लगता है हमारा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बाय।